ओके, सिक्स क्वेश्चन सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में क्या करने को बोला है? प्लस करने को बोला है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर लाइक सर्स है तो डायरेक्टली हम लोग प्लस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे रूट थ्री, रूट थ्री तो कॉमन ही है ना? तो हम लोग सिर्फ आगे का नंबर जो है 5 + 8 और फिर ए रूट थ्री कॉमन है, तो रूट थ्री कॉमन, ये इसको ब्रैकेट कर देते हैं। 8 + 5 = 13, 13√3 ये आपका आंसर हो गया। अगर जहाँ पे लाइक साइड नहीं तो हमें करना पड़ेगा, जैसे 9√5 − 4√5 + √125। तो अभी यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 आना चाहिए, तो ये हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, है ना? तो 9√5 − 4√5 + यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 है क्योंकि हमें यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो इधर भी 5 आना चाहिए, 5 से डिवाइड किया 25 है, तो आपको क्या मिला, 9√5 + 4 − 4√5 + अभी ये 5 बाहर आएगा तो 5√5। अभी आप डायरेक्टली 9 − 4 + 5 और √5 एक बार ही लिखोगे तो क्या होगा, 9 and 5 = 14, 14 − 4 = 10, 10√5 ये आपका आंसर हो गया। थर्ड वाला, थर्ड क्या समय, 7 = 48 − 27 − √3। अभी आपको क्या देखना है मालूम है, छोटा नंबर क्या है, 3। अगर हमें प्लस माइनस करने को बोल रहे तो लाइक साइड होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ सब जगह में आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड करो, 3 रहना चाहिए कि नहीं, तो 3 से डिवाइड करो, 3 × 1 = 3 कितना बचा, 1, हाँ 3 × 6 = 18 × 3 आ गया, माइनस यहाँ पे भी 9 × 3 − √3। समझा कैसे करना है, मतलब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी 7 × 16 बाहर आएगा तो 4 हो गया, √3 − 3√3 − √3, तो ये कितना हुआ, 28√3 − 3√3 − √3। अभी हम लोग नंबर 28 − 3, अभी यहाँ पे नंबर नहीं है तो 1 लेना है, और √3 तो अभी कॉमन हो गया तीनों का, तो क्या आंसर आएगा, 28, अभी −3 और −1 क्या हुआ, −4 हो गया, 28 से −4 = 24 √3 ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ, √7 − 3√7 − 2√7। अभी यहाँ पे √7 तो कॉमन है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इधर का बाहर का नंबर कुछ नहीं है तो 1 − 3/5 − 2 एक ब्रैकेट में और √7 ऐसे लिख सकते हैं। अभी यह देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो अभी पहले डिनोमेटर सेम करना पड़ेगा, तो डिनोमेटर सेम किया तो इधर 5 से मल्टीप्लाइड किया 5, यहाँ पे −3 तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 5 से करेंगे तो −10√7। समझा कैसे किया है, अभी देखो ये दोनों माइनस साइन है तो प्लस करना पड़ेगा, तो −13 हो गया, −13 में से 5 गया, ये +5 है, सॉरी यहाँ पे प्लस, मैंने गलती से लिखा है, यहाँ पे प्लस साइन है तो ये भी प्लस हो गया। ओके, तो अभी 10 + 5 ये दोनों प्लस साइन वाले को प्लस करते हैं, 10 + 5 = 15, 15 − 3 = 12, तो 12 upon यहाँ पे 10 कहाँ पर लिखा, 5 है, ये डिनोमीटर 5 है ना, तो 5√7 ये आपका आंसर हो गया। सेवेंथ नहीं, अभी सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर। चलो उसका भी फर्स्ट वाला देखते हैं, 3√12 × √18,
तो कभी भी क्या करना है, सिंप्लीफाई पहले करना है। थ्री यहाँ पे 12 क्या है, 4 थ्री ज़ा 12 मल्टीप्लाइड बाय 9, 2 ज़ा 18, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, 2 बाहर आएगा रूट 3, 3 रूट 2, समझ में। तो अभी जो नंबर है ना बाहर वाले, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एक साथ में लिखना है, और ये रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 रूट वाला एक साइड में लिखना है, मतलब एक इकट्ठा लिखना है। तो 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और 3 2 ज़ा 6 रूट वाले रूट में हो गया आपका मल्टीप्लाई, इजी है। सेकंड वाला देखते हैं, 3 रूट 12 मल्टीप्लाइड बाय 7 रूट 15। तो अभी क्या कर सकते हैं, 3 ब्रैकेट में 4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाइड बाय 7 ब्रैकेट में 5 3 ज़ा 15, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3। तो अभी देखो नंबर्स पहले लिखते, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5, सब लिख दिया। यहाँ पे रूट 3 दो बार आए, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42, मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 रूट 3 एक बार 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5। अभी इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 4 3 ज़ा 126 रूट 5, ये आपका आंसर हो गया। 7 2 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42 और रूट 3 रूट 3 एक बार 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5, तो 3 2 ज़ा 6 4 3 ज़ा 12 रूट 5। इसको कैसे करेंगे, 3 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5, 3 2 ज़ा 6 और 5 2 ज़ा 10 आपका आंसर हो गया। फोर्थ वाला क्या क्वेश्चन है, 5 रूट 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट 8, तो क्या लिखोगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 8। अभी डायरेक्ट भी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो एक बार लिख सकते हैं। देखो 5 टू ज़ा 10 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 8 एक बार 8, तो क्या आंसर आया, 80। क्वेश्चन नंबर 8, अभी क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड कैसे करते हैं वो देखते हैं। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट 98 डिवाइडेड बाय रूट 2 ऐसे दिया है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन ब्रैकेट में 98 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा, रूट 49, 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा, तो उसका आंसर आया 7। सेकेंड वाला, 125 डिवाइडेड बाय 50, 125 डिवाइडेड बाय 50, तो अभी आप ऐसे भी लिख सकते हो, 25 क्या है, 25 फाइजा 25 टू ज़ा, डायरेक्टली भी कट कर सकते थे, समझा कि नहीं, तो 5 अपॉन 2 ये आपका आंसर हो गया, ये कट हो जाएगा, सॉरी 3 थर्ड वाला, रूट 54 डिवाइडेड बाय रूट 27, 54 डिवाइडेड बाय 27, आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो 27 टू ज़ा 54, तो आंसर डायरेक्ट आ गया रूट 2। फोर्थ क्या है, 310 डिवाइडेड बाय रूट 5, 310 डिवाइडेड बाय रूट 5, आप 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं डायरेक्टली,
फाइव सिक्स ज़ा 35, टू ज़ा 62 आया, तो आंसर आपका आया √62। ठीक है, अभी नाइन्थ क्वेश्चन है रैशनलाइज 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 द डिनोमीटर मिनेटर। अभी इसमें क्या करना है, 3/√5, ये और इजी है। अभी रैशनलाइज में क्या करते हैं मालूम है, तो रैशनलाइज में ये नंबर पहले वापस लिखो। अभी हमें क्या करना है, नीचे वाला जो डिनोमीटर है उसको हटाना है, हटाना है मतलब रैशनलाइज करना है। हाँ, इरैशनल नहीं चाहिए ना, रैशनल चाहिए। हाँ, तो क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह में, तो ये क्या होगा, 3√5/1/5 आएगा, यही आपका आंसर हो गया, सिंपल। सेकंड देखो, 1/√14, क्या करोगे, 1/√14 पहले लिखोगे, मल्टीप्लाइड बाय √14, तो ऊपर √14 आएगा चलेगा, नीचे क्या आएगा, सिंगल 14 आएगा, थर्ड वाला 5√7। क्या करेंगे, पहले तो हम लोग 5√7 लिखेंगे, अब ये √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों जगह में लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करो 5√7 और ये 6 सिंगल 7, क्योंकि दो बार ये है तो एक बार सिंगल 7 आएगा। फोर्थ वाला 5/7√7, सॉरी ये आंसर हो गया। फोर्थ वाला क्या है, 6/9√3। अभी इसको क्या करेंगे, नीचे वाले √3 हमें नहीं चाहिए, बराबर है ना, बाकी चलेगा। 6/9√3 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, रूट वाला नंबर हमें नहीं चाहिए, वो याद रखो। अभी इसको मल्टीप्लाई करो 6√3, यहाँ पे 9 ऑलरेडी है, ये √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 27। तो अभी वापस 3 के टेबल में आता है, 3 2 3 9, तो आपका आंसर आया 2√3/9। फिफ्थ क्वेश्चन, 11√3, क्या करेंगे, 11√3 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 11√3/3, ये आपका आंसर है।